मोदी के न्यू इंडिया में लोग स्वस्थ हों और वातावरण स्वच्छ रहे, यही कोशिश है मोदी 2.0 के इस पहले बजट में भी। स्वास्थ्य सेक्टर पर 69,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। पीपीपी मॉडल से देश में नए अस्पताल खोले जाएंगे, वो भी खास तौर से आयुष्मान भारत योजना के लिए, ताकि प्राइवेट अस्पतालों की सुविधाएं गरीबों को भी मिल पाए और ये योजना T2 और T3 स्तर के शहरों तक भी पहुंचे। सरकार 2024 तक देश के सभी जिलों में सस्ती दवाइयों के लिए जन औषधि केंद्र खोल लेगी, जिनमें 2000 तरह की दवाइयां और 3000 तरह के सर्जिकल्स उपलब्ध होंगे। टीबी की बीमारी को देश से पूरी तरह से खत्म करने के लिए टीबी हारेगा देश जीतेगा योजना चलाई जाएगी। मिशन इंद्रधनुष के तहत 12 नई बीमारियों को भी जोड़ा जाएगा, ताकि स्वास्थ्य का दायरा बढ़ सके। सरकार फिट इंडिया आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा एक्शन लेगी। मेडिकल डिवाइस पर लगे टैक्स से हुई आय का इस्तेमाल भी मेडिकल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। स्वच्छता के लिए सरकार ने 12,300 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है, तो हर घर पाइपलाइन से पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन के तहत 3,60,000 करोड़ का। सरकार ने जल्द से जल्द देश को खुले में शौच से पूरी तरह मुक्त करवाने का भी लक्ष्य रखा है। सबसे खास बात यह है कि सरकार ने इस बार स्वच्छ हवा के लिए भी बजट में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले क्षेत्रों को 4400 करोड़ रुपए दिए हैं। सरकार कार्बन पैदा करने वाले थर्मल प्लांट को भी बंद करेगी। यानी मोदी 2.0 के इस पहले बजट में आपकी सेहत का पूरा ख्याल है।